नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है करियर बिट। दोस्तों, कुछ लोगों को काउंसलिंग में दिक्कत आ रही थी तो उन्होंने पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछा कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो सके। दोस्तों देखिए, ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक एरर आ रहा है कुछ लोगों में। जैसे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो यू आर नॉट वैलिड एज पर स्टेट रैंक काउंसलिंग शेड्यूल, प्लीज़ लॉगिंग एज पर योर स्टेट रैंक। दोस्तों डीएलएड ने एक स्लॉट बना रखा है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको काउंसलिंग करानी है, वो आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। जैसे दोस्तों 18 तारीख तक एक रैंक से लेके 40,000 रैंक तक वालों को काउंसलिंग करानी है। अगर आपकी 40,000 से ऊपर है तो अगर इस स्लॉट में आप अपना कराते हैं तो आपको वो एरर शो करेगा। अगर आप 40,000 से लेके 1,20,000 तक हैं तो आपको 19 से लेके 22 तक काउंसलिंग करानी है, और अगर 1,20,000 एक से लेके 2.5 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो उन्हें 24 जून से लेके 28 जून तक काउंसलिंग करानी है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं जिनका 2.5 लाख से ऊपर रैंक होगा उनका क्या होगा। तो दोस्तों ये पहले फेज़ का काउंसलिंग है, दूसरे फेज़ की काउंसलिंग तभी होगी जब पहले फेज़ में सीटें बच जाएंगी। दोस्तों ये तो कंफर्म है कि सीटें बचनी है, तो आप निश्चिंत रहें, आपका काउंसलिंग ज़रूर होगा जिनका 2.5 लाख से ऊपर रैंक है। ठीक है दोस्तों, अब आइए एक बार देख लेते हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि काउंसलिंग कराना कैसे है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको ब्राउज़र पर लेकर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये updlead.gov.in साइट है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको काउंसलिंग पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे तो एक मेनू बार खोल के ओपन होगा, आपको स्टेप 1 जनरेट OTP पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जैसे आप उस मेनू बार पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुल के आ जाएगा आपके सामने, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ सेलेक्ट कोर्स में आपको एक ही कोर्स आएगा DLED का, इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, जैसे मैं डमी कुछ आपके डाल के दिखा देता हूँ, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और तीसरा ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि आप फिजिकली हैंडीकैप है या नहीं, तो दोस्तों ये आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। जैसे अगर आप नहीं हैं तो यहाँ नो पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/1/1995 है तो डे में 1, मंथ में 1 और ईयर में 1995 डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है आपको, यहाँ पे इंटर कैप्चा में वो आप कैप्चा भर देंगे। ठीक है दोस्तों, कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उस OTP को आप ध्यान से रख लीजिए, और उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, फिर से आप काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे और स्टेप 2 च्वाइस फिलिंग पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये फॉर्म खुल के आएगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कोर्स में आपको फिर से वहीं सेलेक्ट करना है DLED, और यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, और यहाँ पे 1-time password, ये वो पासवर्ड होगा जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होगा OTP पासवर्ड, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कैप्चा जो यहाँ पे शो होगा वो कैप्चा आप फिल करके और फिर यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे फिर आपको कॉलेज की लिस्ट खुल जाएगी जिसमें आप अपना कॉलेज लॉक करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। दोस्तों अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है उसका प्रॉब्लम दूर हो सके। धन्यवाद दोस्तों।